टॉपिक क्या है, हमारा विषय क्या है? मानव तथा अन्य जंतुओं के कंकाल। आज हम लोग कंकाल यानी ढांचे की बात करेंगे। कोई इमारत खड़ी होती है, कोई मकान बनता है, तो पहले पिलर और दीवारें बनती हैं। उसी के ऊपर सारा कुछ होता है, उसी के ऊपर सीमेंट बालू का लेपन करते हैं, पुट्टी मारते हैं, रंग रोगन करते हैं, है ना। तो उसी तरह से हमारे शरीर में भी हमारे अंदरूनी ढांचा कैसा है, उसी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जंतुओं के कंकाल की बात करते हैं। तो एक कंकाल जो होता है वो हमारे त्वचा के ऊपर होता है। हमारी त्वचा है, ये क्या है? तो त्वचा के ऊपर जो कंकाल है उसे हम कहते हैं बाह्य कंकाल, ठीक है। जैसे हमारे हमारे है ना, और जानवरों में खुर सींग, है ना, ये सब जो त्वचा के बाहर होता है उसको हम बोलते हैं बाह्य कंकाल। और छोटे जंतुओं में जैसे तितली, है ना, तितली कीड़े, है ना, देखे हो ना, शरीर में बड़ा बड़ा चीज होता है, घोड़ा देखे हो ना, तो वो उनका क्या होता है? बाह्य कंकाल। क्या होता है? बाह्य कंकाल, ठीक। तो उसके बाद क्या है? अंतः कंकाल। अंतः कंकाल, अंतः माने अंदर, जिसे हम बाहर से देख नहीं सकते, ठीक है, लेकिन हम यहाँ दिखाएंगे, है ना, अंतर कंकाल। अब अंतर कंकाल को दो भागों में बांटा है। एक है अक्षीय कंकाल। अक्षीय माने अक्ष। अक्ष किसको कहते हैं? हम पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रही है, मतलब अक्ष माने वो सेंटर, ठीक है, वो धुरी, ठीक है। तो ये नाम है अक्षीय कंकाल। तो देखो अक्ष क्या है, ये क्या है, ये बॉडी है ना, तो ये जो ये सीधे है ये क्या है? अक्ष। ये क्या है? अक्ष। देखो यहाँ से यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? अक्ष, है ना, ये इसी सीधे रेखा में तो हम खड़े होते हैं। तो ये क्या है हमारा? अक्ष। तो अक्ष में देखो क्या है? खोपड़ी। ये खोपड़ी, ये खोपड़ी, इसके अंदर भी ऐसा ही है, हमारे अंदर भी ऐसा ही है, है ना। तो ये क्या है? खोपड़ी। ये हमारे जबड़े उबड़े है, दांत तो है सब, है ना। और ये क्या है? ये हम बताए थे उस दिन, कशेरुक दंत। इसका भी कशेरुक दंत देख लो, ये देखो ये देख रहे अंदर है ना, ये क्या है? कशेरुक दंत। देखो इसको ऐसे हम फील करके ऐसे दबाएंगे तो देखो ये छोटे छोटे टुकड़ों में बटा है, देखो ये है ना, ये ऐसे ऐसे अपना फील करोगे तो ऐसे करो बेटा, देखो ये दिख रही है ना, हड्डियां दिख रही है अलग अलग गोला गोला, ये देखो इसमें दिख रही है ऐसा, ये ना देखो ऐसे दिख रही है, है ना। तो ये गले की हड्डी कितनी होती है? सात। सात कितनी होती है? सात। याद रखो जितने भी स्तनधारी हैं, है ना, स्तनधारी माने जो जिसकी स्त्रियां, जिस जंतुओं की स्त्रियां अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं, है ना, उसको हम कहते हैं स्तनधारी। तो बकरी, गाय, भैंस, ऊंट, गाय, जिराफ, है ना, कंगारू, ये सब क्या है? स्तनधारी, ठीक है। तो इसमें सात हड्डियां होती है। आप बताओ कि एक चूहे में, छोटा चूहा है ना, उसमें कितनी हड्डी होगी? कितनी होगी? सात ही होगी। और एक जो बड़े का जिराफ है उसमें कितनी हड्डी होगी? ये बहुत प्रश्न जो है अक्सर पूछा जाता है, बड़े बड़े लोग कक्षाओं में भी ऐसे प्रश्न आ जाता है कि जिराफ के गले में कितनी हड्डी है। हम लोग सोचते हैं अरे इतना बड़का गर्दन है तो उसमें तो ज्यादा हड्डी होना चाहिए ना, सात से कैसे काम चलेगा। तो हम लोग को लगता नहीं सात नहीं दस होगा बीस होगा, ऐसे हम लोग को लगता है ना। लेकिन आप लोग याद रखिए कि सभी स्तनधारियों में गर्दन की हड्डी ही होती है, ठीक है। इसमें हम लोग गिन भी सकते हैं, यहाँ से देखो एक दो तीन चार पाँच छह और सात, सात हड्डियाँ है ना, ये हमारे इसमें सात हड्डियाँ है। पहली हड्डी जो है वो यहाँ पे है, ऐसे घूमो, यहाँ पे इस जगह पे, है ना, इस जगह पे पहली हड्डी, देखो इसके अंदर घुसा हुआ है ना, तो पहली हड्डी यहाँ पे है जो कि हमारे इस सर को हमारे और शरीर से जोड़ती है पहली बार, ठीक है। तो वो
इस तरह की अच्छी कंकाल में हमने क्या देखा, खोपड़ी है, केसर की जड़ है, और उसके बाद क्या है, उरोस्थी तथा पसली। उरोस्थी क्या होती है, ये है उरोस्थी, ये सांस लो जोर से, हाँ ये देखो, ये देखो, ये उरोस्थी, ये क्या है उरोस्थी, देखो इसमें भी देखो, इसमें भी देखो, कोई अंतर है ना, सेम है ना, हाँ। तो ये जो ये क्या है, ये क्या है पसलियाँ, ये कितनी है, बारह पसलियाँ है, कितनी पसलियाँ है, बारह पसलियाँ है। इसमें से जो छह पसलियाँ होती हैं उसको हम लोग ट्रू रिब्स कहते हैं, क्योंकि वो ट्रू रिब्स क्यों कहते हैं कि ये देखो एक दो तीन चार पाँच छह, ये छह आगे भी जुड़ी है और है ना, लेकिन ये वाली जो पसली है एक दो तीन और चार, सात आठ नौ दस है ना, सातवीं आठवीं नौवीं और दसवीं, ये चारों पहले एक में जुड़ी है उसके बाद यहाँ जुड़ी है ना, ये पहले देखो, पहले एक में जुड़ी है यहाँ आकर के और फिर यहाँ जुड़ी है, इसीलिए इसको हम लोग फॉल्स रिप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फॉल्स रिप, क्योंकि ये पूरा एक एक करके यहाँ नहीं जुड़ा है उरोस्थी में, ये क्या है उरोस्थी, ज़िगोट प्रोसेस बोलते हैं इसको है ना, ये वाला चीज ठीक है, इसमें जुड़ी है। अब ये दो और हड्डियां हैं, बारह पसलियां होती है ना, बारह पसलियां, देखो ये दो और हड्डियां हैं, ये दिख रहे हैं, ये दोनों हड्डियां दोनों तरफ है, देखो ये पीछे से आ रही है हड्डियां, आ रही है ना, लेकिन आगे की तरफ बारहवीं पसली नहीं, ग्यारहवीं और बारहवीं पसली दोनों आगे की तरफ नहीं होती, इसीलिए इसको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स, क्या बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स, क्योंकि ये तैरती हुई है, तैर रही है, क्योंकि इनका कोई जुड़ाव आगे की तरफ नहीं है, समझ में आ गया। yes, कंकाल में क्या हमारा अच्छी कंकाल क्या है, हेड है और ये केसरों की दाल और उरोस्थी और पसली। देखिए आप लोगों ने कैसे हमारे शरीर में कहा है, ये वाला देखो यहाँ भी टाइट है, यहाँ भी क्या है, सांस लो जोर से, देखिए ये यहाँ दब रही है ना, ये है जिफॉइड प्रोसेस है ना, और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ क्या है, इधर से जो रिब्स यहाँ से निकली है ना, यहाँ से निकली है और पीछे की तरफ आई है, सांस लो बेटा, देखो ये आई है ना, ये तो छह एकदम ट्रू रिब्स हैं और सातवीं आठवीं नौवीं दसवीं चार एक साथ जोड़ के आ रही हैं, ये देखो एक दो तीन चार है ना, ये जुड़ के आ रही हैं और बारहवीं और ग्यारहवीं ये सिर्फ पीछे ही है, कहाँ है, सिर्फ पीछे है, इसीलिए इसको हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, समझ में आ गया। अब हम लोग इसकी बात कर चुके ठीक है ना, अब देखो अब क्या है, हम लोग बात करेंगे अनुबंधी कंकाल की, किसकी, अनुबंधी कंकाल, इसमें क्या है मेखलाएं, मेखलाएं क्या है भैया, ये है मेखलाएं, ये जो हमारा हाथ जुड़ा है, ये देखो ये स्केपुला बोल है, ये है ना ये हड्डी, ये आई इसके में भी दिखा देते हैं, ऐसे करो ये देखो ये है ना, ऐसे हाथ करो, ऐसे 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 ऐसे, ये देखो दिखा है ना, ये वाला ये है ठीक, और इससे ये हमारी ये हाथ की हड्डियां जुड़ी हुई है, तो ये दोनों में ये जो है ये पेक्टोरल गर्डल है, मतलब ये ऊपर का है ना, और ये कमर की हड्डियां हैं, ये ठीक है ना, ये वाली जो है ये हड्डी ठीक है, ये देखो ये ना, ये तो ये हमारे ऊपर की है पेक्टोरल गर्डल और ये पेल्विक एरिया में पेल्विक गर्डल, दो गर्डल है, एक ऊपर हाथ वाला और एक नीचे पर ठीक, और उसके बाद आता है हाथ और पैर की अस्थियां, तो इन इसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे कि हमारी हड्डियों का नाम क्या क्या है, हाथ और पैर वाले, समझ में आ गया ठीक है।